एक और जहां पूरा देश कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से जूझ रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं सिलेंडरों की कालाबाजारी करने के लिए इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला रविवार को सतना में सामने आया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ऑक्सीजन सिलेंडर एक गोदाम से जब्त किए गए थे। अब पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर रासुका की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सतना में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर रविवार को बस स्टैंड के पीछे छापा मारा था, जहां पुलिस ने विंध्या इंजीनियरिंग के गोदाम से 400 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए थे। पुलिस ने प्रोपाइटर के अन्य संभावित ठिकानों की तलाशी ली थी, तो कुल 661 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए। इन सिलेंडरों में सतना जिला अस्पताल से रसमय ढंग से गायब हुए 150 सिलेंडर भी मिले थे, जो जरूरतमंदों को ऊंचे रेट पर बेचे जा रहे थे। एक सिलेंडर की कीमत 35,000 तक वसूले जा रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर की काला बाजारी की शिकायत पर सतना जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन की काला बाजारी की जांच पड़ताल शुरू की थी और ऑक्सीजन की काला बाजारी का भंडाफोड़ किया था। इस मामले में अब कोलगांव थाने से विंध्या इंजीनियरिंग के मालिक राजीव जैन पर काला बाजारी अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है और आज जिला न्यायालय में पेश भी किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर रासुका के तहत मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी है। बेसिकली ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पे इसमें केस रजिस्टर हुआ है। जो गोडाउन में लगभग 661 सिलेंडर सीज हुए थे, उसमें ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से FIR हुई है। उसमें ड्रग एक्ट और असेंशियल कम्युनिटी एक्ट और अन्य धाराओं के रजिस्टर्ड हुआ है। इसमें जो गोडाउन का संचालक राजीव जैन है, उनकी गिरफ्तारी की गई, कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसके अलावा कालाबाजारी एक्ट के तहत भी उस पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब को रिपोर्ट दे दी है। उसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऑर्डर हो रहे हैं। जी, रासुका के तहत भी किसी तरह से मामला कालाबाजारी एक्ट में प्रस्ताव हमने कलेक्टर साहब को भेजा है। कलेक्टर साहब के यहाँ प्रोसीडिंग्स में है, कार्रवाई अभी प्रचलित है, कार्रवाई इनिशिएट की गई। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट, मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर, एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो, मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। प्रशासन ने सभी 661 सिलेंडर जब्त कर जिले के कोविड सेंटर भेज दिए हैं। जल्द ही राजीव जैन पर रासुका के तहत मामला दर्ज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।